हाय स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन में आगे बढ़ते हुए ये 12वां नियम देखते हैं। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द प्रोनाउन यूज्ड मस्ट ऑफ कोर्स बी सिंगुलर। जब दो सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जोड़ा जाए और वो दोनों नाउन एक ही पर्सन को दिखाए, यानी एक ही व्यक्ति को दिखाए या एक ही वस्तु को दिखाए, तो वो दोनों प्रोनाउन या नाउन मिल के भी सिंगुलर है। वो दोनों नाउन मिलके भी सिंगुलर होगा और उसके बदले में सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जोड़ा जाए और वो दोनों सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताए, तो उसको सिंगुलर माना जाएगा और इसलिए उसके बदले जो प्रोनाउन का यूज होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं, द पोएट एंड सिंगर हैज़ बिन अवार्डेड। द पोएट एंड सिंगर हैज़ बिन अवार्डेड, ये दोनों मिला के एक ही व्यक्ति है। जो पोएट है वो सिंगर भी है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सिंगर के पहले कोई द नहीं लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ नहीं है। यानी ये दो जो हैं, पोएट और सिंगर, एक ही व्यक्ति है। यानी एक ही व्यक्ति में दो गुण है, वो पोएट भी है और सिंगर भी है, इसलिए ये दोनों सिंगुलर। इसलिए मैंने ही का इस्तेमाल किया है। ही इज़ वेरी हैप्पी हैविंग गॉट द अवार्ड। He is very happy. पुरस्कार पाके वो खुश है। दूसरे शब्दों में एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और दोनों एक ही व्यक्ति को दिखाए, तो उसके बदले जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर होगा। अगला नियम देखते हैं। When two singular nouns joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be singular. अगर दो सिंगुलर nouns है और उस दोनों के पीछे या तो एवरी या ईच है या दोनों है, तो वो सिंगुलर माना जाएगा। दोनों मिला के भी, दोनों नाउन मिला के भी सिंगुलर माना जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी बॉय एवरी गर्ल वॉज इन यूनिफॉर्म। वॉज इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों मिला के दोनों सिंगुलर हुआ, एवरी या ईच या दोनों। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज इन यूनिफॉर्म, ही और सी लुक्ड गुड। मैंने जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन। यानी एवरी या ईच अगर पहले लगे तो वो सिंगुलर होता है दो नाउन के पहले। दो नाउन अगर हो, दोनों सिंगुलर हो, दोनों के पहले एवरी या ईच लगे, तो वो सिंगुलर होता है दोनों मिला के भी, प्लूरल नहीं होगा। ये नहीं सोचना है कि यहाँ एंड हो गया, एंड से दो नाउन को जोड़ दिए सिंगुलर नाउन को, तो दोनों प्लूरल हो गया, ऐसा नहीं है। चूँकि यहाँ एवरी लगा और यहाँ एवरी गर्ल लगा, ठीक है, या ईच लगे, तो दोनों ही हालत में ईच बॉय ईच गर्ल, एवरी बॉय एवरी गर्ल, वो सिंगुलर होगा और उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगला नियम, जब दो सिंगुलर नाउन्स इधर और या नीदर नॉर से जोड़ा जाए तो वो सिंगुलर होता है और उसके बदले जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर ही होगा। यहाँ देखते हैं, इधर कुन्नू और रोनित हैज़ टेकन माई पेंसिल, हैज़ बिन यूज हियर, यहाँ हैज लगा है, ठीक है। ऐसे भी यहाँ इसके बाद वाला जो होता है वो अगर सिंगुलर रहे तो यहाँ ये सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। नीचे में देखते हैं, नीदर कोमल नॉर सोनल हैज़ डन हर होमवर्क, ये सोनल के बाद हैज़ लगा है। यानी ये जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है, जो भी नाउन है वही असली, अगर ये प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल होगा, अगर ये सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर होगा, यही समझना है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल रहा, नीदर कुन्नू नॉर रोनित हैज़ टेकन माई पेंसिल, यानी इसको रिप्लेस करने वाला जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। वही हाल नीदर नॉर के साथ है, अगर दोनों सिंगुलर है दोनों नाउन, तो वो सिंगुलर ही माना जाएगा और उसको रिप्लेस करने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। अगला नियम देखते हैं, अगर एक सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों इधर और या नीदर नॉर से जुड़े, तो उस दोनों को मिला के प्लूरल माना जाएगा और उसके बदले प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। यहाँ देखते हैं, इधर द चीफ मिनिस्टर और हिज मिनिस्टर्स हैव अनाउंस देयर रेजिग्नेशंस। इधर द चीफ मिनिस्टर और हिज मिनिस्टर्स हैव अनाउंस देयर रेजिग्नेशंस, तो यहाँ पर हैव जो इस्तेमाल हुआ है ये मिनिस्टर्स के लिए हुआ है। और यहाँ पर मैंने सेंटेंस कैसे रिप्लेस किया है, दे वेर अंडर प्रेशर, यानी मिनिस्टर्स के लिए हमने दे का इस्तेमाल किया है, है ना। तो और के बाद जो आया है वही असली सब्जेक्ट होगा, और हिज मिनिस्टर्स, ठीक है ना, और उसी के लिए हम यहां पर दे का इस्तेमाल किए हैं, ये दे का इस्तेमाल किए हैं इस मिनिस्टर्स के लिए, ठीक है ना, उसके लिए दे का इस्तेमाल किए हैं। तो यही याद रखना है कि जब दो नाउन हो, एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, उसको इधर और या नीदर नॉर से जुड़ा जाए, तो जो
और या नॉर के बाद वाला नाउन है वही असली सब्जेक्ट है। वो अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा, इसलिए वो उसको हम प्लूरल मानेंगे, इसलिए मैंने उसको दे से रिप्लेस किया। देवर अंडर प्रेशर मीन्स इंटायर मिनिस्ट्री वॉज अंडर प्रेशर, सारा मंत्रिमंडल दबाव में था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने पर्सनल प्रोनाउन ख़त्म कर लिया, अगले दिन एक अगला प्रोनाउन लेंगे हम लोग, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। कीप रिवाइजिंग, रिवाइज करते रहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। हैव ए नाइस डे।